डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, आपको जो वीडियो है इसमें टिन सेट के ऊपर वाटरप्रूफिंग का काम किया गया है। ये जीआई सीट है, वेयर हाउस के ऊपर लगा हुआ, या जो कमर्शियल पर्पज से जो काम होते हैं, जैसे फैक्ट्री बनती है, वेयर हाउस लगता है, तो उस पर जो है रूफिंग शेड जो है बनाया जाता है, छत जो है शेड की डाली जाती है। नया होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, नए के टाइम में जो है इसमें आपको बराबर जो है पानी लीकेज वगैरह की समस्या नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे पुराना होता है, समय के साथ में इस पर लीकेज बनने लगता है, और लीकेज ऐसा बनता है कि जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, पकड़ में नहीं आता है। बहुत बार कोशिश हम लोग करते हैं, हम लोग तो काम करते हैं तो चलिए लीकेज पकड़ लेते हैं, लेकिन जो इनके आनर होते हैं या इसके बारे में जिसको मालूम नहीं होता है, वो लीकेज नहीं पकड़ पाता है, और बाद में चल के बहुत ज़्यादा पानी का लीकेज से काम बाधित होने लगता है, काम में परेशानी आ जाती है और नुकसान होने लगता है। इसको कैसे ठीक किया जाएगा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है इसमें सारे नट बोल्ट ज्वाइंट को फाइबर मेश लिक्विड रबर से कोटिंग की गई है। बाजार में बहुत सारे केमिकल अवेलेबल होते हैं, आप जाते हैं वहाँ पर देखते हैं और ख़रीद के भी लाते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता है, कुछ समय के लिए ठीक रहता है, बाद में चल कर वही दिक्कत आ जाती है। तो मैं आपको ये प्रॉपर ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। हमारा वाटर प्रूफिंग का काम है दोस्तों, बिल्डिंग में कैसे भी सीपेज हो, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग या टेरेस, किसी भी चीज़ की छत बने हो उसमें लीकेज आता हो, तो वो हम लोग सही करते हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ जो है रूफिंग शेड लगा हुआ है, नीचे मशीनें वगैरह चलती हैं, लाइन चलती है, प्रोडक्शन होता है, नीचे थर्मल इंसुलेशन भी लगा हुआ है, पीओपी का वगैरह के काम किया गया है, लेकिन जब पानी की बूंदें टपकती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले क्या करना है कि पूरे एरिया को क्लीन कर लिया गया है, क्लीन करने के बाद जो भी ज्वाइंट इसके आप देख रहे हैं, ज्वाइंट हो गया, नट बोल्ट हो गया, वहाँ पे कोटिंग कर दी गई है। नया नया लगता है तो ठीक रहता है, लेकिन पुराना होता है तो समय के साथ में जंग पकड़ता है और ये ख़राब हो जाता है। टोटल वाटर प्रूफिंग का प्रोसेस यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये काम हो जाता है तो लंबे समय तक सेट ख़राब नहीं होगा और इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अमूमतन ये देखा जाता है कि नया सेट लगता है 2-4-5 साल चलता है, लेकिन 6-7 साल में उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उस टाइम फिर वाटर प्रूफिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन दो आते हैं, या तो वाटर प्रूफ किया जाए या तो नया लगाया जाए, दोनों का खर्चा सेम आता है दोस्तों। लेकिन वाटरप्रूफ का ये फायदा होता है कि हो जाएगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, परेशानी नहीं होगी, काम बाधित नहीं होगा, नहीं तो अगर बार बार नया लगाते रहेंगे बार बार वही समस्या, तो एक बार वाटरप्रूफ कर लेंगे तो 20 से 25 साल इसकी सेल्फ लाइफ रहती है, सीट को ख़राब नहीं होने देगा। यहाँ पर टोटल वर्क हो गया है, आपको मैं दिखा दूँ कि ये जो है ब्लैक का काम हुआ था लिक्विड रबर का, वाइट लिक्विड रबर का काम हो रहा है, यहाँ पर टोटल 4 कोटिंग किया गया है। बिल्कुल एक तरफ से ढक जाएगा, उसके बाद जो है फिर पानी की बूंदें वगैरह नहीं टपकेगी और आपका सामान भी नहीं खराब होगा। प्रोसेस मैं फिर से बता दूं कि सबसे पहले क्लीन किया जाएगा, क्लीन करने के बाद नट बोल्ट ज्वाइंट जितने हैं सेट के उसको प्रॉपर वे में सील किया जाएगा, उसके बाद इस पर 4 कोटिंग की जाएगी। अलग अलग कोटिंग करने का ये फायदा होता है कि डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है, और बार बार कोटिंग करने से एक तरफ से जो भी इसमें ज्वाइंट, जो भी होल पोर्स वगैरह बने होते हैं सारे ढक जाते हैं, और हीट वगैरह से ख़राब नहीं होता है। गर्मी पड़ती है तो ये छोड़ता नहीं है, इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत बनती है, फाइबर मेश लगा के इसलिए किया जाता है। जो हमारी कंपनी का वाटर प्रूफिंग सर्विस है, पूरी दिल्ली NCR इंडिया के मेजर स्टेट में अवेलेबल है। चैनल पर मैं अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ, उस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, चाहे तो अपने घर की भी वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। तो ये रूफिंग शेड है, इस पर काम किया जा रहा है। एक जो है मैं आपको बता दूँ कि जो घर में सीलन आता है, अगर घर की वाटर प्रूफिंग भी कर देते हैं छत वगैरह की, तो सीलन नहीं आएगा और बराबर आपका पेंट वगैरह ख़राब नहीं होगा, घर की लाइफ बढ़ जाती है। वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बारिश का मौसम चल रहा है, आपको दिख रहा है कितने ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली NCR रीजन के स्टेट में, और दिल्ली NCR में बारिश से बहुत खस्ताहाल हो गया है, और जिन लोगों ने वाटर प्रूफिंग अपना पहले से करा रखा है उनकी कोई समस्या नहीं आ रही है, बाकी जिन्होंने वाटर प्रूफिंग नहीं कराया है उनके घर में सीलन आता है, तो वाटर प्रूफिंग जो है घर में जरूर करा लेना चाहिए, उसे सिलेंडर वगैरह नहीं आता है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, इसे कर देने से घर सुरक्षित रहता है, मजबूत रहता है, और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा दिन तक रहती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, हो सके आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद को फायदा हो जाए। चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल सब्सक्राइब कर दे, चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाला हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट को सीख भी सकते हैं, और चाहे तो अपने घर का या रूफिंग शेड का वाटर प्रूफिंग भी करा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।